हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे दोस्तों। तो दोस्तों, आज हम बना रहे हैं रेसिपी में बैंगन का भरता। तो ये उसके लिए बैंगन है, ये प्याज है, ये टमाटर, ये बैंगन के ऊपर लगाने के लिए ऑयल है। और आज हम बैंगन का भरता बनाएंगे, तो उसके लिए हरी मिर्ची है और ये लहसुन है, थोड़ा सा हमने छील लिया था बैंगन में लगाने के लिए। तो उसके लिए दोस्तों ये मसाले हैं, ये मसाले में मैं धनिया पाउडर डाल रही हूँ भरते के लिए। तो ये 1.5 चम्मच डालूँगी धनिया पाउडर, और ये है 1 चम्मच भर के मिर्ची, क्योंकि मैं बैंगन के भरते में और भी मिर्ची लगाऊंगी और थोड़ा गरम मसाला भी जाएगा, तो इतनी ही काफ़ी है ये मिर्ची। और ये थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा नमक, नमक तो अपने स्वाद के अनुसार डालें। तो मैं ये घोल दूंगी थोड़ी देर के लिए मसाले को, और घोल करके रख दूंगी ताकि ये फूल जाए अच्छी तरह से। और बाकी मैं आपको दिखाती हूँ, ये बिल्कुल हल्के वाले बैंगन लाई थी मैं, आप भी खरीदें भरते के लिए तो एकदम पकड़ कर देखें, जो हाथ में एकदम हल्का होता है वही वाला बैंगन लें। और इसमें ये जो मैं चीरा लगा रही हूँ, तो चीरा लगाने का दो मतलब है, एक तो इससे हमें कट लगाने से दिख जाता है कि हमारा बैंगन कैसा है, और दूसरा है कि अगर इसमें हम कट लगा रहे हैं तो इसमें मैं ये लहसुन जो मैंने छील लिया था ये अंदर रख दूंगी। इस तरह से बनाने से काफ़ी टेस्टी बनती है इसका ये भरता। और ये हरी मिर्ची भी लगा दूंगी, और ये इस तरह से चारों तरफ उसमें हरी मिर्ची लहसुन लगा लगा करके, और ये मैंने ग्रीस कर लिया था बैंगन को ऑयल लगा करके। और ये मैं गैस पर इसको भून लूँगी अच्छी तरह से, बिल्कुल मंदी गैस करके। तो इस तरह से मैं रख दूँगी और इसे पलट पलट कर सेक लूँगी अच्छी तरह से, तो ये अच्छी तरह से भून जाएगा। तो एक इधर रख दिया है और एक उधर वाले गैस चूल्हे पर रख देती हूँ मैं। तो दोनों को करके, इधर दोनों को रख के मैं ये भून लूँगी। तो ये मैंने देखो रख दिए हैं अच्छी तरह से लहसुन मिर्ची लगा करके, और मैं ऐसे धीरे धीरे ऐसे भूनने दूँगी। मेरे पास इसका गैस के ऊपर स्टैंड भी होता है बैंगन को भूनने के लिए, लेकिन वो नहीं है तो मैंने ऐसे ही भून लिया। और ये दोनों मेरे भून गए हैं, तो मैंने ये निकाल लिए हैं, देखो कितने अच्छे भुने हैं। और इसके अंदर जो मिर्ची होती है वो काफ़ी अच्छी भुन जाती है। तो ये उसके बनाने के लिए, भरते बनाने के लिए उसका सामान है। तो ये लहसुन और ये अदरक का मैं पेस्ट बना लूँगी पीस करके, क्योंकि मेरे पास जार नहीं है छोटा वाला मिक्सी का, वो ख़राब हो गया है। तो मैं इसे सिलावटी पर पीस लूँगी, और इसका पेस्ट बना लिया है। इसका पेस्ट इस तरह से पीस करके काफ़ी टेस्टी ये भरता बनता है। जो मैंने मसाले घोल लिए थे तो उसमें ये काली मिर्ची डाल करके मैं इसको भी पीस लूँगी ये इस तरह से। तो इस तरह से पीसे हुए मसाले का काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है भरते में। एक बार आप भी ज़रूर बनाना इस तरह से, और बताना कि कैसा बना है, और काफ़ी अच्छा, काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो ये मैं इधर ये भरते को छील रही हूँ अच्छी तरह से, ये इसका सारा ये ऊपर का छिक्कल हटा दिया था, काला था, और इसको मैंने मैश कर लिया है। मैशर तो नहीं था मेरे पास, और ये मैंने कढ़ाई में तेल डाल दिया था, उसमें मैंने जीरा डाल दिया है। और जीरा डालने के बाद ये प्याज डाल दी थी, वो भी मेरी भुन चुकी है आधी। और उसके बाद ये लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाल दिया मैंने इसमें कढ़ाई में, और जो मैंने ये मसाले पीस लिए थे वो भी डाल दिए हैं, और ये टमाटर भी डाल दिए मैंने इसमें। ये मसाला मेरा भुन गया था, तो ये मेरा मसाला पक गया था, मैंने टमाटर डाल दिए थे, और ये मसाला मेरा ये टमाटर डालने के बाद भी पक चुका है। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी ग्रेवी बनी है। और ये मैश कर किया हुआ ये भरता भी डाल दूंगी, जो मैंने बैंगन का भरता निकाला था ये जो मैंने मैश कर लिया है, इसको भी मैंने डाल दूंगी इसमें। आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है, कितनी अच्छी ग्रेवी बनी है इसकी, और ये काफ़ी टेस्टी भी है। इतना अच्छा है कि मैंने सिल पर जो पीसा उससे तो इसमें दुगना टेस्ट बढ़ गया है। तो आप भी एक बार ज़रूर बताना, बनाना और बताना कि कैसा बनेगा। और ये मैंने 10 मिनट के लिए मीडियम गैस पर छोड़ दिया था बनने के लिए, तो 10 मिनट मेरे हो चुके हैं, और देखो ये बन चुका है। और ये एकदम से इसका जो मैंने इसमें पानी नहीं डाला, मसाला धो करके ही डाला था मैं थोड़ा सा, और उसी में मैंने इसको धीमी गैस पर पकने दिया था, और ये बिल्कुल अच्छा बना है एकदम से। तो मैं अब आगे के काम करूँगी। तो मैं नहा के आ गई हूँ, भरता मैंने पहले बना लिया था। इधर मैं सोफे कवर लगा रही हूँ, क्योंकि मुझे ये इसमें काफ़ी टाइम लगा है भरता बनाने में, तो मैंने सोचा मैं आगे के काम तब करूँगी। तब पहले इसे बना कर रख देती हूँ, फिर बच्चों को भूख लगती है, फिर जल्दी जल्दी करना पड़ता है। तो ये बन गया तो मेरा आधा काम निपट गया। और ये मैंने अंदर के सोफे भी लगा दिए, और ये मैं इस तरह से सेट कर देती हूँ। बच्चे तो हर समय इनको बिगाड़ ही देते हैं, तो इनको साफ़ सुथरा रखना पड़ता है, तभी अच्छा लगता है हमारा घर। तो मैं आ गई हूँ, ये मछली का टैंक है,
और इन्होंने दाना खा लिया तो मैंने इनकी ऑक्सीजन चला दी। देखो कितनी अच्छी तरह से ये घूम रही हैं, अच्छी लग रही हैं इनको, काफ़ी देख करके मन अच्छा हो जाता है। सुबह सुबह इनको बैठ के मैं देखती हूँ काफ़ी देर तक, और मैं इधर ये बाहर के सोफे भी लगा देती हूँ, और जो भी कोई आता है तो इनसे काफ़ी मन लग जाता है, मछलियों से सब इनको देखते हैं तो काफ़ी अच्छी लगती हैं ये। तो इनका भी हमें अपने सदस्य की तरह ख्याल रखना पड़ता है, तो मैं ये बाहर के सोफे भी लगा देती हूँ, क्योंकि हर रोज़ लगाने पड़ते हैं, कई केवल कई कई बार लगाने पड़ जाते हैं, तो ये काम होने के बाद तो हमें सेटिंग करनी पड़ती है। तो ये लगा दिए हैं, और ये बाहर का हमारा हॉल है, उसके मैं ये पर्दे लगा देती हूँ, नहीं तो ये बाहर से धूल, जो हवा जो चल रही है इस टाइम, तो थोड़ी थोड़ी धूल भी आ जाती है, बाइक वगैरह चलती रहती हैं, तो ये मैं लगा देती हूँ, थोड़ी मिट्टी तो तो रुक ही हमारा जाती सारा काम है। हो गया है और बच्चों का नहाना धोना हो गया, सारा काम हो चुका है। तो अब मेरा थोड़ा सा काम बचा है किचन में, और रोटियां बनानी बची हैं। तो दोपहर हो गए हैं, तो अब रोटियां सेक लेते हैं और बाकी का काम निपटा लेते हैं। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तो मैं किचन में आ गई हूँ और मैं ये बर्तन लगा लेती हूँ, थोड़े बर्तन मैंने पहले लगा दिए थे और थोड़े मैं अब लगा देती हूँ, क्योंकि ये थोड़े से बच गए थे, मैं कुछ और काम करने लग गई थी, तो ये अपनी जगह पे लग जाते हैं, तो किचन खाली खाली हो जाता, नहीं तो सारे सामान से भरा रहता है तो अच्छा नहीं लगता। तो ये सारे बर्तन सूख गए थे तो मैं इनको लगा देती हूँ, इनको अपनी जगह रख देती हूँ, ताकि कोई भी काम करो तो अपनी जगह से इनको ले लो। और इधर मैं आटा गूंथ रही हूँ, क्योंकि मैंने बैंगन का भरता भी बनाया था और थोड़ी सी भिंडी भी बनाई थी जो हमने छत पे से तोड़ी थी, और मेरा आटा भी लग गया है और वो भी मैं अब रोटियाँ बना रही हूँ। तो थोड़ी सी मैंने भिंडी की सब्ज़ी भी बनाई थी, क्योंकि ताज़ी ताज़ी बनाई है अपने गमलों में, क्योंकि अपने गमलों की भिंडी है तो काफ़ी अच्छी सब्ज़ी बनती है। तो थोड़ी सी भिंडी की भुर्जी भी बनाई है। अब मैं रोटियां सेक लेती हूँ, तो बैंगन का भरता हो गया, भिंडी की सब्जी हो गई और रोटी हो गई। तो ये है हमारा आज का लंच, और अपने लंच में अपने रोटियां बना करके अपने बच्चों को खिला दूँगी, क्योंकि बच्चों के पापा अभी दोपहर को आएंगे, तो पहले बच्चों को लंच करा दूँगी फिर उनको कराऊँगी। तो मैं इतनी ही रोटी सेकूँगी जितने की बच्चे खाएँगे, अब बाकी की रोटी मैं बाद में सेकूँगी। और ये मैं एक एक करके सारी ये रोटी बना लूँगी जितनी हमको चाहेंगी अब दोपहर के लिए। ये रोटियां मेरी बन गई हैं, मैं बच्चों के लिए खाना लगा दिया है, तो मैं अपने बच्चों को खाना दे देती हूँ, और मेरे दोनों बच्चे खाएंगे, क्योंकि बेटी अभी नहीं खा रही, तो ये दोनों को खिला देती हूँ। इनके तो पेट में चूहे ही दौड़ रहे हैं कि जल्दी से दो खाना, जल्दी से दो, तो इनको मैंने खाना दे दिया है। और ये छोटे वाले को तो अपने हाथ से खिलाना पड़ता है, क्योंकि नहीं खिलाती हूँ तो ये पेट नहीं भर पाता, तो इसको बैठ के मुझे टाइम देना पड़ता है, इसको थोड़ा थोड़ा करके खिलाना पड़ता है, क्योंकि ये थोड़ा 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 खाया इधर उधर भाग जाता है तो पेट नहीं भरता, तो मुझे बैठ के खिलाना पड़ता है, ध्यान रखना पड़ता है। तो ये मैं खाना खिला रही हूँ इनको, तो ये दोपहर का लंच कर रहे हैं, और आप भी हमारा लंच कर लीजिए, काफ़ी टेस्टी बैंगन का भरता बना है और भिंडी की भुर्जी भी बनी है। इधर मेरे सारे काम हो गए थे तो मैंने मशीन लगा दी थी उसके बाद, तो ये मशीन के कपड़े भी धुल चुके हैं, एक चक्कर मेरे पहले धुल गए थे तो बचे हुए मैंने दोबारा डाल दिए, ये भी धुल गए हैं, मैं इनको भी निकाल देती हूँ अच्छी तरह से, और निकाल करके मैं इनको सुखा दूँगी, क्योंकि कोई मेहमान आ गए हैं हमारे घर में तो वो अंदर बिठा दिए हैं मैंने, तो मैं इनको सुखाऊंगी नहीं अभी, और इनको मैं बाद में सुखाऊंगी, तो मैं पहले इनको निकाल देती हूँ अच्छी तरह से, झाड़ करके रख देती हूँ, और मैं ये इसको बाद में तो हमारा सुखाऊंगी। लंच हो गया है, सारा काम हो गया खत्म, और बच्चों के पापा बचे हैं वो भी आए नहीं है, वो आएंगे तब लंच करेंगे, बच्चों ने भी खा लिया है। तो हमारा सारा काम खत्म हो गया है, तो आज का रूटीन हमारा यहीं तक का था। तो मिलती हूँ अगली वीडियो में, और वीडियो कैसी लगी बताना दोस्तों, और अच्छी लगे तो लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी किया करो, और उससे क्या हमें आगे को काम करने के लिए थोड़ा हमारा हिम्मत होगी। तो आज के लिए बस इतना ही, और मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।